दिल्ली में लोकसभा चुनाव की नाराज समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार चुनावी खर्च के हिसाब किताब में जुट गए हैं। इस बीच 2014 के लोकसभा चुनाव का हिसाब भी जांचा गया, जिसमें पिछली बार भाजपा ने उम्मीदवारों की मदद के लिए 15 लाख से ज्यादा का बजट तय किया था और इसमें सबसे ज्यादा खर्चीले दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी रहे। वहीं पश्चिमी दिल्ली से सबसे कम खर्च करके जीत हासिल करने वाले भाजपा नेता प्रवेश वर्मा थे। आंकड़े बताते हैं कि रमेश बिधूड़ी ने जहां तकरीबन 39 लाख रुपए खर्च किए थे, वहीं भाजपा नेता प्रवेश कुमार ने लगभग 27 लाख रुपए चुनाव के दौरान खर्च किए। इनमें सबसे अलग चांदनी चौक से सांसद रहे डॉक्टर हर्षवर्धन रहे, जिन्होंने पूरा खर्च स्वयं वहन किया था। बहरहाल 2014 के लोकसभा चुनाव में भले ही रमेश बिधूड़ी सबसे खर्चीले थे, लेकिन वे चुनाव जीत गए थे। अब देखना ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी इससे ज्यादा राशि खर्च कर जीतते हैं या नहीं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।